नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टोरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक और कॉमिक्स लेके आया हूँ। इस कॉमिक्स का नाम है चाचा चौधरी और राका का चैलेंज। जैसे कि आपको पता है, चाचा चौधरी का सबसे बड़ा दुश्मन राका है, जो कि हमारा है। कहानी की शुरुआत में राका का छोटा भाई जबीरा रुक्कन मियाँ को ढूंढते हुए रुक्कन मियाँ के घर पहुँच जाता है, जहाँ वो राका के बारे में पूछता है। रुक्कन मियाँ उसे बताते हैं कि राका का उसे कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। राका की स्टोरी जबीरा को बताता है, कहते राका ने जहर समझ कर चक्रमाचार्य की दवा पी ली पुलिस से बचने के लिए, जो कि जहर नहीं बल्कि एक अद्भुत दवा थी जिसे पीने के बाद इंसान मर नहीं सकता, मतलब इंसान अमर हो जाता है। और जब तुम्हारे भाई ने मार काट और आगजनी की तो उसे पकड़ने के लिए बीड़ा उठाया चाचा चौधरी और साबू ने, और साबू के आगे राका की एक नाचकी। अब राका किस कैद में है और कहाँ किस हालत में है, ये सिर्फ चाचा चौधरी ही जानता है, और चाचा चौधरी से उलवाना इतना आसान काम नहीं है। तभी जबीरा कसम खाता है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, जिसने भी मेरे भाई को इतनी तकलीफ दी है मैं उससे बदला लेके रहूँगा। वहीं दूसरी ओर चाचा चौधरी और साबू जॉगिंग करते हुए देखते हैं कि एक ट्रेन का इंजन पलटा हुआ है। साबू ये देख कर ट्रेन के ड्राइवर की हेल्प करता है और इंजन को उठा के पटरी पर वापस रख देता है। वो इंजन ठीक ठाक अपने टाइम पर रवाना हो जाता है। तभी जबीरा भी चाचा चौधरी और साबू को आते हुए देख लेता है। जबीरा अपनी पॉकेट से ग्रेनेड निकालता है और साबू की तरफ फेंक देता है। ग्रेनेड साबू के कुछ दूर जाके गिरता है और फट जाता है। जबीरा साबू से बोलता है कि लंबू, मैं उस पावरफुल बॉम्ब से तुम्हें मार भी सकता था, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं किया। अब तो चुपचाप बता कि राका कहाँ है। राका मेरा भाई है और मैं उसे छुड़ा के रहूँगा। साबू बोलता है, अच्छा तुम राका के भाई हो, चलो फिर तुम्हें भी वहीं बंद कर देता हूँ जहाँ राका बंद है। तभी जब जबीरा अपने पॉकेट से दूसरा बॉम्ब निकालता है और सीधा साबू की ओर फेंकने के लिए ट्राई करता है, लेकिन तभी चाचा चौधरी अपनी गुलेल से सीधा जबीरा के हाथ पर निशाना लगाते हैं और तभी बम वहीं के वहीं गिर जाता है और वहीं फट जाता है। एक बम फटने में जबीरा की मौत हो जाती है। जबीरा सीधा मर के गड्ढे में गिर जाता है। अब चाचा चौधरी और साबू दोनों चिंतित हो जाते हैं कि यकीनन राका को छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। चाचा चौधरी बोलते हैं, ये डाकू कहाँ कैद है, इसे बस तीन लोग ही जानते हैं, तुम मैं या तीसरा गुरु शंभू। एक दूसरी ओर एक टाउन लाइन कंपनी में मीटिंग चल रही है कि कंपनी में एक जंगल की जगह खरीद ली है और वो उस जंगल को साफ करने को चाहते हैं। मीटिंग में डिस्कस होता है कि इस जंगल को जल्द से जल्द क्लीन करना होगा ताकि हमारा प्रोजेक्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट डे कंपनी का बुलडोजर जंगल को साफ करने निकल जाता है। बुलडोजर एक एक करके सभी पेड़ों को गिराना स्टार्ट कर देता है। तभी गुरु संबोध सीधा अपनी कुटिया से निकलकर पेड़ों को बचाने के लिए बाहर आते हैं और बुलडोजर को रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन बुलडोजर में बैठा हुआ आदमी रुकता नहीं और बुलडोजर चलाता रहता है। इसी बीच गुरु संबोध एक पेड़ के नीचे आ जाते हैं और वो दब जाते हैं उस पेड़ के नीचे, और बुलडोजर फिर भी नहीं रुकता और एक एक कर पेड़ों को गिराता रहता है। तभी बुलडोजर एक स्पेशल निशान लगे हुए पेड़ के पास आता है और बुलडोजर मैन सोचता है कि ये स्पेशल निशान क्यों लिखा हुआ है इस पेड़ पे, लेकिन फिर भी उस बुलडोजर मैन को समझ में नहीं आता और वो उस पेड़ को गिरा देता है। तभी पेड़ के गिरने के नीचे वो देखता है कि उसमें एक गठरी लपेटी हुई है। बुलडोजर मैन खुश हो जाता है ये सोच के कि कहीं उसके अंदर कोई राजा महाराजा का दुबाना कोई खजाना तो नहीं है। तभी उस बुलडोजर पर्सन उस गठरी को खोलता है और सीधा राका उस गठरी से बाहर आता है, जिसे एक एक बुलडोजर मैन घबरा जाता है और राका सीधे उस बुलडोजर मैन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बुलडोजर मैन बताता है कि मैंने ही तुम्हें कटरी से बाहर निकाला है, मैं ही हूँ वही जो तुम्हें आज़ाद किया है। यह सुनकर राका उस बुलडोजर मैन को बख्श देता है और वो सीधा वहाँ से भाग जाता है। अब राका जबकि आज़ाद हो चुका है तो वो उसे काफ़ी भूखा है, वो खाने की तलाश में निकल जाता है। अभी पास ही में एक शादी में एक स्वादिष्ट खाने की खुशबू आती है। राका वहाँ पहुँच जाता है और हलवाई से सीधा खाने के लिए कहता है, लेकिन हलवाई मना करता है ये सोच के कि ये शादी में सारा खाना खा जाएगा तो इस शादी में खाना कैसे बचेगा। राका ये सुन के काफ़ी क्रोधित हो जाता है और उसे गुस्सा आता है, पूरे टेंट में तबाह कर देता है और वह वहाँ से भरपेट खाना खा लेता है। राका की तबाही देख लड़की की माँ पुलिस को कॉल करती है कि यहाँ पर एक लंबा चौड़ा आदमी तबाही मचा रहा है जिसने मेरी बेटी की शादी ख़राब कर दी, आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए। पुलिस एक मिनट ना गवा के सीधा अपने सिपाहियों को तैयार कर राका को पकड़ने के लिए पहुंच जाती है और सीधा कहती है, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तभी राका कहता है, मैं खाने में व्यस्त हूँ, अभी मैं मुझसे पंगे मत लो।
लेकिन फिर पुलिस वाले मानते नहीं, मुझे बकवास सुनने की आदत नहीं है, उठकर मेरे साथ चलो। तभी राघव गुस्सा आता है, तुम्हें चुप कराने का एक बस यही तरीका है, और सीधा कुल्हाड़ी लेके सीधा पुलिस वाले की गर्दन काट देता है। बाकी पुलिस वाले देख के गोली चलाना स्टार्ट कर देते हैं। राघव कहता है, तुम्हारे पटाखे खत्म हो जाए तो मरने के लिए तैयार हो जाओ ना। तभी राघव उन दोनों को भी मार देता है और पुलिस की जीप को हाथ में उठा के हवा में फेंक देता है। तभी एक और गाड़ी वहाँ आके रुकती है, जिसमें एक राका का पुराना दोस्त होता है। राका उसको देख के पहचान जाता है, वो एक जेब कतरा है जिसका नाम जाग है। वह और राका पहले मिलके काफ़ी चोरियाँ और चकारियाँ करते थे। वो राका को बताता है कि मुझे एक तुमसे काम है, अगर तुम राज़ी हो तो तुम्हें मैं एक बहुत बड़ा काम देना चाहता हूँ। वो काम पूछता है तो राका को बताता है कि एक आदमी का अपहरण करना है, लेकिन राका मानता नहीं है, इतना छोटा काम नहीं करूँगा। तभी वो याद दिलाता है कि उसने एक किसी टाइम पे जेल में एक लोहे की रेती दी थी, जिसकी मदद से राका अपनी उस जेल को तोड़ के बाहर निकला था। यह सुन के राका मान जाता है और बोलता है, ठीक है बताओ कब किडनैप करना है। नेक्स्ट डे वो जेब कतरा राका को एक फिल्म मूवी प्रोड्यूसर के पास लेके आता है। प्रोड्यूसर उसे बताता है कि उसको एक अपनी हीरो अपनी मूवी के एक हीरो को ही किडनैप करवाना है, ताकि उस मूवी को सुपर डुपर हिट करवा सके। राका को ये प्लान काफ़ी पसंद आता है और वो बोलता है कि मुझे क्या मिलेगा इसमें। वो राका को बोलता है, मैं तुम्हें 10% दूंगा। लेकिन राका को गुस्सा आता है और बोलता है, तुम सारी मलाई खा के जाओगे, मुझे 50% चाहिए। फिल्म प्रोड्यूसर मान जाता है और उसे 50% देने का वादा करता है। फिल्म प्रोड्यूसर जान खा की फ़ोटो देता है, जो कि एक फिल्म स्टार है। फिल्म प्रोड्यूसर उसी को किडनैप कराने के लिए बोलता है। वो बताता है, इस टाइम वो टेन स्पोर्ट में होगा और तुम वहाँ पे उसे आसानी से किडनैप कर सकते हो। राका ये सुन के वहाँ से निकल जाता है। तभी जान का वहाँ दूसरी ओर टेनिस कोर्ट पर अपने अपने फ्रेंड के साथ टेनिस खेल रहा होता है। राका टेनिस कोर्ट में पहुँच जाता है, जहाँ जान खा जो भी फिल्म का एक्टर है, उसके बॉडीगार्ड राका को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन राका उन्हें मार भगाता है और सीधा फिल्म एक्टर जान खा को अपने थैले में डालता है और वहाँ से चलता बनता है। नेक्स्ट डे सारे अखबार और न्यूज़ चैनलों में आ जाता है कि जान का किडनैप हो चुका है। ये सीन के सारे जान का के जितने भी फॉलोअर्स और फैंस थे मूवी देखने के लिए थिएटर में उमड़ मरते हैं, जिससे मूवी सुपर डुपर हिट हो जाती है और प्रोड्यूसर का प्लान सक्सेस हो जाता है। तभी वादे के मुताबिक जान खा को किडनैप करने के बाद प्रोड्यूसर कि मूवी जब काफ़ी सुपर डुपर हिट हो गई है, तो प्रोड्यूसर सीधा राघव के पास 50% पैसे लेके पहुंच जाता है, जिसे देख के राघव काफ़ी खुश हो जाता है और उस थैले को खोलने के लिए बोलता है। लेकिन प्रोड्यूसर बोलता है, नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ा और इसको जुबली डायमंड जुबली बनने दो, तब मैं इसको आज़ाद करूँगा। वहीं दूसरी ओर एक दूसरा प्रोड्यूसर चाचा चौधरी के पास पहुंचता है और बोलता है, चाचा जी मेरी फिल्म आ चुका 75% तक बन चुकी थी, लेकिन किसी ने इस हीरो को जान खा का अपहरण कर लिया, जिसे मैं कर्जे में डूब जाऊंगा, प्लीज़ उसको छुड़वाओ। चाचा चौधरी बोलता, जिस व्यक्ति ने एक्टर को अगवा किया है उसका हुलिया बयान कर सकते हैं। प्रोड्यूसर उसको बताता है कि ये वो काफ़ी लंबा चौड़ा आदमी था और अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी भी लेके आया था। ये सुन के चाचा चौधरी फौरन समझ जाते हैं, ये कोई और नहीं राका है। तभी सभी भागते हुए साबू को बोलते हैं, साबू जल्दी चलो, हमें पता करना है कि कहीं राका दोबारा तो नहीं छूट गया। तभी भागते हुए जाते हैं तो राका बीच में वहाँ मिलता है। राका को साबू कहता है, राका वो एक्टर कहाँ है? तभी राका बोलता है, यह सवाल पूछने की गुस्ताखी के लिए मैं तुम्हें भून के रख दूंगा। तभी राका साबू की ओर गोली चलाता है, लेकिन साबू अपने सर को नीचे करता है, जिससे गोली ऊपर से निकल जाती है। इसी बीच साबू नीचे होकर राका की ओर लपकता है, जिससे राका के हाथ से बंदूक छूट के सीधा ज़मीन पर गिर जाती है। तभी उसका दूसरा साथी अपनी दूसरी गन निकालता है और साबू की ओर फायर करने की सोचता है, लेकिन चाचा चौधरी अपनी पगड़ी निकाल कर सीधा उसके मुंह पे डाल देते हैं, जिससे वो उसको कुछ दिखता नहीं है, गोलियाँ चारों अंदर चलने लग जाती हैं। लेकिन वो सारी गोलियाँ इधर उधर चलती हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुँचता। यह देख के कि दोनों के हाथ से बंदूकें छूट चुकी हैं, दोनों भाग खड़े होते हैं और राका बोलता है, जाकर आओ हम इसे फिर देख लेंगे। तभी दोनों भाग जाते हैं वहाँ से और चाचा चौधरी उस थैले को खोलते हैं, जिसमें फिल्म एक्टर जान खा कैद था। लेकिन जान खा
काफी देर तक उस थैले में बनता, जिससे दम घुट के जान खा की मौत हो जाती है। अब फिल्म प्रोड्यूसर जिसकी मूवी सुपर डुपर हिट हो चुकी है, उसका भांडा फूट जाता है। पुलिस उसे पकड़ने सीधा पकड़ पहुंच जाती है और पुलिस उस फिल्म प्रोड्यूसर को गिरफ्तार कर लेती है। जबकि दूसरा फिल्म प्रोड्यूसर जो कि एक मूवी में 75% तक पैसा लगा चुका था, वो दिवालिया हो चुका है क्योंकि उसकी मूवी में उसका मेन एक्टर ही मर चुका है। अब जब राका बाहर आ चुका है तो वो बिना मारदाड़ और आगजनी किए रह नहीं सकता। वो अपना काम स्टार्ट कर देता है और गाड़ियों में आग लगाना स्टार्ट कर देता है, बसों को तोड़ना स्टार्ट कर देता है, पेड़ों को उखाड़ के फेंकना स्टार्ट कर देता है। ये सुन के काफ़ी लोग पुलिस को कंप्लेंट करते हैं हेडक्वार्टर में कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा आदमी काफ़ी तबाही मचा रहा है। हेडक्वार्टर से आवाज़ आती है, आपकी शिकायत सुन ली गई है, हम फ्लाइंग स्क्वाड को भेजते हैं। तभी वहाँ से एक फ्लाइंग स्क्वाड आते हैं और काफ़ी सारे उसमें पुलिस वाले होते हैं। पुलिस वाले कमांडोस राका को चारों ओर से घेर लेते हैं। राका को चेतावनी देने के बाद भी राका रुकता नहीं है, तभी पुलिस वाले सारे फायर करने लग जाते हैं। राका पास ही में एक बड़े पत्थर को उठाता है, पुलिस वालों की ओर फेंक देता है, जिसमें काफ़ी पुलिस वाले दब के मर जाते हैं। राका की इस तबाही को देखते हुए मिनिस्टर अपने सभी पुलिस वालों के साथ एक मीटिंग करते हैं, जिसमें राका को पकड़ने के नए नए उपाय सोच जाते हैं। लेकिन राका हमारा ये सभी को पता है, लेकिन फिर भी सभी एक फाइनल मत पे पहुंचते हैं कि राका एक नाचने वाली औरत मुन्नी बाई का काफ़ी दीवाना है। अगर वो मुन्नी बाई की मदद ले दें तो वो उसे कहीं पे भी बुला के मार सकते हैं। सभी पुलिस वाले मुन्नी बाई वाले प्लान पे सहमत हो जाते हैं और मुन्नी बाई से सलाह कर लेते हैं और मुन्नी बाई भी राज़ी हो जाती है। तभी एक आदमी भागता हुआ राका के पास आता है। उस्ताद, मुन्नी बाई शहर के बाहर मैदान में तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। राका बोलता है, अच्छा मैं वहाँ भी जाता हूँ। राका सीधा मुन्नी बाई के पास पहुँच जाता है और मुन्नी बाई से कहता है, मुन्नी बाई तुम नहीं जानती मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ और तुम्हें से शादी करना चाहता हूँ। मुन्नी बाई कहती है, तुम इतने दिनों से मुझसे मिलने नहीं आए और अब इतने दिन बाद आए हो तो कोई उपहार नहीं लेके आए। राका बोलता है, तुम कहो तो मैं दुनिया की सारी दौलत तुम्हारे कदमों में रख दूँ। तुम केवल उस फूलों को गुलदस्ता बनाकर मुझे दे सकते हो। पास में पड़ी झाड़ी को देख के मुन्नी बाई उनकी ओर इशारा करके बोलती है। राका बोलता है, ये कौन सी बड़ी बात है। राका सीधा उन फूलों को तोड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी मुन्नी बाई पीछे से एक पुलिस वाले के साथ जीप में भाग जाती है। राका को गुस्सा आता है, धोखा मुन्नी बाई, मैं तुम्हारी खाल निकाल कर उसका रुमाल बनाऊंगा। और मुन्नी बाई वहाँ से भाग जाती है। राका को चारों ओर टैंकों से घेर लिया जाता है और राका की ओर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। टैंक के हमले से राका के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, राका के बॉडी पार्ट इधर उधर गिर जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद राका के बॉडी पार्ट में फिर से आपस में मिट जाते हैं और राका फिर से खड़ा हो जाता है। तभी टैंक वाले हैरान हो जाते हैं, ये कैसे हुआ। राका बोलता है, क्योंकि बुरको राका मर नहीं सकता, उसने वैद्यनाथ चक्रमाचार्य की जवाब दवा पी रखी है, इसलिए मैं अमर हूँ, अब तुम्हारे मरने की बारी है। तभी राका उनकी ओर तलवार लेके आगे बढ़ता है, लेकिन हवा में एक और प्लेन आता है जो कि फिर से बमों की बारिश कर देता है। राका फिर से टुकड़े टुकड़े हो जाता है, लेकिन फिर से राका डूब जाता है। प्लेन वाले पायलट देख के हैरान होता है, ये फिर से कैसे जुड़ गया। प्लेन पायलट फिर से कोशिश करता है और दोबारा घूम के राका की ओर आता है बम फेंकने के लिए, लेकिन तभी राका हवा में अपनी तलवार से उस प्लेन के टुकड़े टुकड़े कर देता है, प्लेन नीचे आके फट जाती है। इन सभी आर्मी का सफाया करने के बाद राका अब चाचा चौधरी और साबू को मारने के लिए पहुंच जाता है। राका देखता है कि चाचा चौधरी और साबू आराम से बिस्तर ओढ़ के सोए हुए हैं। राका इसका फ़ायदा उठा के अपनी तलवार घुमाता है और चाचा चौधरी और राका के टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन पीछे से हंसने की आवाज़ आती है। पीछे मुड़ के देखता है कि चाचा चौधरी और साबू उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और राका जब कपड़ा हटाता है, उनके नीचे पैनों की टहनी है और पगड़ी भी रखी हुई थी। देखे राका और गुस्सा हो जाता है, उनकी ओर तलवार लेके भागता है, लेकिन चाचा चौधरी भी अपनी होशियारी दिखाते हैं और साबू को आगे करते हैं। साबू राका से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। साबू राका को लपेटता है और सीधा उस चट्टान के पास ले जाता है जहाँ पे चाचा चौधरी ने एक जाल बिछाया हुआ है। चट्टानों के पास ले जाके सीधा साबू उस राका को चट्टान से बांध देता है। साबू
राका को चट्टान से बांध तो देता है लेकिन ये टेम्पररी इलाज है, राका फिर से छूट सकता है। इसलिए चाचा चौधरी साबू के साथ वहाँ से चले जाते हैं कोई अच्छा सा उपाय ढूंढने। वहाँ से निकल के चाचा चौधरी और राका प्रोफेसर चाक की लैब में पहुँच जाते हैं। उन्हें पता है कि ये इलाज टेम्पररी है, राका किसी भी वजह से छूट सकता है। वहीं दूसरी ओर जहाँ राका को चट्टानों से बांधा हुआ था लोगों की भीड़ लग जाती है और बच्चे उसकी तरफ पत्थर फेंकने लगते हैं। पत्थर फेंक राका को काफ़ी गुस्सा आता है और राका गुस्से में आके पूरा दम लगा के जंजीरों को तोड़ देता है और सभी बच्चों को हवा में उठा के फेंक देता है। अब राका को गुस्सा आता है और वो कसम खाता है, जब तक मैं 1001 आदमियों को मार न डालूँ तब तक पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊँगा। राका वहाँ से निकलकर एक पब्लिक मीटिंग में पहुँच जाता है जहाँ पे एक नेता अब कुछ भाषण दे रहा होता है, काफ़ी लोगों की भीड़ होती है वहाँ। तभी राका वहाँ जाके खुश होता है और सबसे कहता है ये सब कुछ शीशनों के मेहमान है और अचानक ही अपने हाथों से बड़ी बंदूक लोगों की ओर फायर करना स्टार्ट कर देता है। काफ़ी लोग उस फायरिंग में मर जाते हैं। चाचा चौधरी और राका वापस आके देखते हैं कि चट्टानों पर जंजीरें टूटी हुई हैं, इसका मतलब राका वहाँ से भाग चुका है। लेकिन वो उन्हें पता है राका जब ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। चाचा चौधरी और साबू उसके पीछे जाता है और तभी साबू को राका दिख जाता है। राका की ओर साबू भागता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन राका के हाथ में एक शॉट गन होती है जिससे वो साबू की ओर फायर कर देता है। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें ही कुछ तुझसे कुछ हिसाब चुकाना चाहता हूँ। तभी साबू जख्मी हो जाता है और राका की भी गोलियाँ ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन साबू को गुस्सा आ जाता है और जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। तभी साबू बोलता है अब मेरी बारी है। साबू भी राका को मजा चिखाने के लिए तैयार हो जाता है। राका साबू की ओर एक पत्थर फेंकता है जो कि सीधा साबू के सर पर लगता है और फिर साबू उसे राका को अपने एक मुक्के से गिरा देता है। राका को काबू करने के बाद साबू उसे अपनी पीठ पे उठाता है और सीधा एक रॉकेट की तरफ चला जाता है जो कि उस प्रोफेसर चाक की लैब के बाहर थी। सीधा साबू जाता है और अपनी पीठ पे साबू राका को लेके सीधा रॉकेट के अंदर फेंक देता है और वहाँ से नीचे उतर जाता है। इसी बीच प्रोफेसर चाक साबू को नीचे उतरने के लिए बोलता है। जैसे ही साबू नीचे उतरता है और प्रोफेसर चाक लॉन्च का बटन दबा देते हैं, रॉकेट 10 सेकंड बाद पृथ्वी से उड़ जाता है और अंतरिक्ष में चला जाता है। अंतरिक्ष में जाने के बाद उसमें से एक छोटा सा कैप्सूल निकलता है जो कि पृथ्वी से काफ़ी दूर जाके एक सुनसान ग्रह पर उतर जाता है। उस ग्रह का नाम जालूबार है। वहाँ पर राका कैप्सूल के उतरने के बाद बाहर आता है और बोलता है कि मैं कहाँ आ गया। दूर दूर तक चारों ओर घूमता है लेकिन कोई उसे दिखता नहीं है। कोई है जवाब क्यों नहीं देते। राका को गुस्सा आता है और एक पारसी के पड़े पत्थर को उठा कर सीधा उस कैप्सूल पर फेंक देता है जिससे कि राका वापस आया था। तू ही मुझे यहाँ पे लाया है, अब संभाल इसे। तभी वो छोटा सा कैप्सूल जो कि राका की आखिरी उम्मीद थी वो भी टूट जाती है और कंट्रोल रूम में बैठे बैठे राका को चाचा चौधरी और प्रोफेसर जाग देख के काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। तो दोस्तों यहीं पर कहानी ख़त्म होती है।